हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज जा रही हूँ दशहरा घूमने। जितने भी पंडाल हैं सारे पंडाल में मैं घूमने जा रही हूँ। तो आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत लोग घूमने आए हुए हैं, क्योंकि आज और कल लास्ट कल है तो इसीलिए बहुत भीड़ है यहाँ पर। और मैं भाई के साथ जा रही हूँ क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो आने वाली है, तो मेरे को भाई छोड़ने गया है और मैं यहाँ पे बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कि वो कब आएगी। बोल रही है मैं आ रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ से आ रही है। और फाइनली अब आ गई तो हम लोग स्टार्टिंग पहले रोज़ा से किए। वहाँ पे भी एक पंडाल बना हुआ था तो वहाँ का जो डेकोरेशन था स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आप लोग यहाँ पे वीडियो में देख ही रहे हो। और यहाँ पे ये पंडाल बना हुआ है, पंडाल भी काफ़ी ज़्यादा ही प्यारा है माता रानी का। और यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है तो हम लोग सोचे कि यहाँ पे पहले दर्शन स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद जहाँ पे और पंडाल होगा तो वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे इतनी भीड़ है तो वीडियो भी बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट हाँ कोई नहीं, माता रानी का दर्शन जैसे तैसे हो ही गया और हम दोनों दर्शन किए। दर्शन करने के बाद थोड़े फ़ोटो वगैरह क्लिक हुआ, वीडियो भी थोड़े बहुत बनाए हम लोग और यहाँ पे प्रसाद लिए, आरती लिए। तो फाइनली एक पंडाल तो हम लोग घूम लिए और हम लोग अब जा रहे हैं प्रभाकर मोड़। तो यहाँ पे हम लोग जो रास्ता है ये पानी रोज़ा साइड का रास्ता है तो काफ़ी ज़्यादा सुना था तो हम लोग वहाँ पे गए और यहाँ पे जो फाइनली हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा पंडाल बना हुआ है माता रानी का और यहाँ पर सप्तमी के दिन जैसे गंगा आरती होता है ना, वैसे यहाँ पर आरती हुआ था बट मैं उस टाइम नहीं आई थी। और दो पंडाल घूमने के बाद काफ़ी ज़्यादा भूख लग गया तो सोचे कि कुछ हम लोग खा लेते हैं नॉर्मल सा, तो यहाँ पे हम लोग खाएं। और खाने के बाद अब नेक्स्ट पंडाल के साइड चले गए क्योंकि धीरे धीरे एक एक करके हम लोग तो भीड़ को हटाते हुए हम लोग एंट्री किए तकिया पंडाल में। यहाँ का भी पंडाल काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, हर साल में सबसे ज़्यादा जो अच्छा पंडाल होता है तकिया का ही पंडाल होता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए, अब समझ में नहीं आ रहा था कि एंट्री कहाँ से लें माता रानी का दर्शन करने का, तो फाइनली एंट्री मिल गया और माता रानी का भी दर्शन हम लोग कर लिए। और निकलते टाइम आप देख रहे हो कि कितना यहाँ पर भीड़ है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर पेट पूजा करने आए हैं, यहाँ पे मोमोज हम लोग खाएंगे। ठीक है, चलो 5 मिनट वेट करते हैं। एक ही कुर्सी है गाइस, ये मेरा कॉलेज था, अब नहीं है। और यहाँ पर तकिया का जो पंडाल है यहाँ पे हर साल इतना ही भीड़ आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। भूल गई थी, इसको पढ़ना ही नहीं थी, इधर उधर जाकर ढूंढी तब जाकर ये मिली और मेरा फोन किसके पास था तो मैं इसे कॉल ही कर पाई। चल मैं चल मच्छी भूल गई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ था और इंजॉय हुआ। बट हाँ, लड़कियाँ अकेली ना आए क्योंकि लड़के बहुत ही गंदे हो गए यहाँ पे, मतलब गजब तरह के, मैं क्या ही बोलूँ, अजीब तरह से देखेंगे और आपको ना भीड़ के बहाने आपको इधर उधर टच करेंगे। यहाँ के लड़के मैं बहुत ही अजीब टाइप के, आपको फैमिली के साथ आओ, अकेले बिल्कुल भी मत आओ। ठीक है, तो आगे का जो ब्लॉग है वो चलेगा। यहाँ पर लड़कियों के लिए सही नहीं है अकेले आना क्योंकि यहाँ के जो लड़के हैं, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को कैसे हरकतें करते हैं। और यहाँ पे साइड में हम लोग आगे आए तो यहाँ पे शिव तांडव हो रहा था और यहाँ पे भी माता रानी का दर्शन किए। उसके बाद हम लोग सोचे कि अब चलो यहाँ से निकलते हैं और एक और पंडाल हम लोग घूमें जो आरा गुमटी के पास था। उसके बाद प्रसाद मैं ली वहाँ पर। आप लोग भी दुर्गा पूजा घूमे हो, हर पंडाल में गए हो, तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस मिला है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ।